मैंने डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का आपको बहुत बहुत नमस्कार। जैसे आप सब जानते हो कि हम लोकसभा क्षेत्र पटियाला के अंदर खड़े हैं, यहाँ से रानी पनीत और कांग्रेस की उम्मीदवार है और सरदार सुनील सिंह रखड़ा जो श्रोमणी अकाली दल भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं, और हमारे बीच में डेरा बस्ती हल्के के MLA जो दो बार MLA रहे हैं NK शर्मा जी। NK शर्मा जी नमस्कार करें आप लोगों को। शर्मा जी सबसे पहले ये कहिए कि माहौल कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा है। लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े तत्पर हैं और क्लीन स्वीप यहाँ से सतीश सिंह जी रखड़ा साहब बहुत बड़े मात्रा से हमारे बच्चे से जीत रहे हैं। आप देखोगे कांग्रेस के लिए बहुत जगह पोलिंग बूथ भी नहीं है, काफ़ी जगह पोलिंग बूथ बनी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और देश के दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। में पूरा जोश है और अच्छी बहुत है। और बड़ी बात है कि पोलिंग ठीक है। जैसे आप गांव में जा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो आपको गांव का रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही लोगों को उत्साह है। मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप होगी, वन साइडेड इलेक्शन। कैप्टन साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि अगर कांग्रेस को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती सीटें नहीं आती, मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दूंगा। इस बयान की आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में? वो रिज़ाइन करें ना करें, लेकिन कांग्रेस वाले उनसे रिज़ाइन ज़रूर करवा लेंगे, क्योंकि आप देखो ना, वो ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। मल्टी बोलता है उनके MLA कुछ बोल रहे हैं, तो इस सरकार ये जो है 2.5 साल चलेगी, आगे चलना सरकार का मुश्किल है, कभी भी धमाका हो सकता है। ये सरकार को नहीं, श्रोमणी अकाली दल BJP के मेन एजेंडे क्या हैं? आप लोगों को वोट मांग रहे हो, मेन एजेंडे क्या हैं? मेन एजेंडा डेवलपमेंट, विकास, उनके विकास के नाम से वोट मांगते रहे हैं। जो कारगुजारी श्रोमणी अकाली दल BJP ने पिछले 10 सालों में दिखाई थी, हर वर्ग का, गरीब का भी देखो, आटा दाल सकन स्कीम, साइकिल स्कीम, जितनी गरीबों के लिए स्कीमें हैं कोई भी उठा के देख लो, सभी की सभी अकाली दल BJP की स्टार्ट की है और कांग्रेस ने आके टोटली स्टॉप किया। जो भी डेवलपमेंट पंजाब में, अगर छोटी सी भी ईंट लगी है, वो भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब की लगी है। लोगों में बहुत गुस्सा है। अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाकर कहा था कि मैं कर्जा भी माफ कर दूँ, घर में नौकरी दे दूँ, आटा दाल चार के दे दूँ, 53,000 दे दूँ, लेकिन इलेक्शन के बाद वो सभी बातों से मुकर गया। सरकार को सब दिखाने के लिए लोग आज चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से हम पंजाब में क्लीन स्वीप हैं। शर्मा जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें लोगों को भी कंफ्यूजन है। जो सरदार रंजीत सिंह रिपोर्ट जो पंजाब विधानसभा में आई थी, जो फरीदकोट में कोटपुरे में इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में बताइए, ताकि लोगों जो अभी लोग जो वोट पाने जा रहे हैं, जिनके मन में कंफ्यूजन है, वो तो सभी वादों से मुकरी हुई पार्टी। ये जो इंसिडेंट था, कभी ना कभी देखना उसके पीछे भी जो कारण है वो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने हिंदू सिख को लड़ाने के लिए बड़े प्रयास पंजाब में किए। शुरुआत इन्होंने की थी, मंदिरों में गऊ की पूछे गिरी थी, गुरुद्वारे में बेड़ियाँ गिरी थी, श्री अकाल तख्त साहब पे अटैक इंदिरा गांधी ने करवाया टैंकों तोपों से। 1984 में कतलेआम जो है कांग्रेस ने कराया था, और इसी राहुल गांधी का बाप रंजीत गांधी था, उसने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिर गया तो धरती हिलती है। तो ये सब देश को तोड़ने की कांग्रेस सदा कोशिश करती रही है, ये भी एक उसका हिस्सा है। कांग्रेस के पास परफॉर्मेंस के नाम से जीरो है। वैसे इस मुद्दे को लेकर अब एक बात देखिए, श्रोमणी अकाली दल के जो सीनियर लीडर हैं ब्रह्मपुरा जी, शेखवा साहब, वो भी छोड़कर चले गए हैं। फेल लीडर हैं, अब देखो छोड़ के गए हैं, बड़ी बड़ी बातें की थी, एक भी उम्मीदवार को टकसाली लड़ रहे हैं। सिर्फ ये है कि इधर उधर से इकट्ठा के कांग्रेस सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के पास से कुछ फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने पंथ के साथ गद्दारी की है और उनको उसका जो काम है वो भूलना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में थे श्री NK शर्मा जी, जो MLA हैं डेरा बस्ती से। देखो लोगों के अंदर कितना जोश है इनके आने से यहाँ पर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।